सरकार जरूरतमंद व्यक्तियों को आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करा रही है। तो वहीं संत कबीर नगर जनपद के दुल्ही पार में प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से पड़ोही प्रसाद के नाम से आवंटित आवास को कागजों में देकर आवास दूसरे व्यक्तियों को दे दिया गया। जब इस बात की जानकारी पड़ोही को हुई तो उसके होश उड़ गए। उसने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। पड़ोही अपने परिवार को लेकर छप्पर में जीवन बसर कर रहा है और सरकार ने उसे योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया, लेकिन जिम्मेदारों ने उसे आवास ना देकर उसी नाम के व्यक्ति को आवंटित कर दिया, लेकिन कागजों में जिम्मेदारों ने हेरा फेरी नहीं कर पाए। पूरे मामले पर बुजुर्ग पड़ोही प्रसाद ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर लापरवाह जिम्मेदारों के प्रति कार्रवाई और आवास की मांग की। वहीं पूरे मामले पर CDO बब्बन उपाध्याय ने जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। गांव के प्रधान को बैठक करके उसको सत्यापित करना चाहिए, उनकी पात्रता देखना चाहिए। यदि इस तरह का कोई मामला है कि दूसरे के नाम पर दूसरा, क्योंकि ID तो एक होती है, बिना ID का किसी को और बिना उसके ID नंबर के किसी को आवास दिया नहीं जा सकता है, किंतु इस तरह का कोई मामला है तो मैं उसको देखवा लेता हूं और उसमें कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा उससे वसूला जाएगा और जो पात्र होगा उसको दिया जाएगा, जिसका वास्तविक के नाम है। हमारा आवास आया हुआ था और किसी और के नाम से, मतलब इन्हीं के नाम से किसी और को दे दिए। एक नाम के गांव में दो लोग हैं क्या? वो ग्राम सभा दुल्ही पार है सर, और ग्राम मेरा कड़ेसर है, तो नाम दोनों का एक ही है लेकिन ग्राम अलग अलग है। हाँ, तो DM साहब को पत्र देकर के क्या मांग की है? हमारा सर आवास, वही पैसा मिल जाए और क्या मांग करेंगे। आवास न होने से क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? हम लोगों के पास छप्पर का घर है और बहुत दिक्कतें आ रही हैं, मतलब चूता है, बरसात होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या कहे कि तुम्हारा आवास आई हल्का कहला खा ढल्ला पैसा वैसा एक घर की मार, हम दरखास्त दहली काली की बात, पैसा न मिले न सही बात हमारे ऊपर है। आवास मिला था आपको? हमें नहीं मिला। आपके नाम से आया था? हाँ, मेरे नाम से आया तो वो पैसा।